हेलो ओरिवन स्टडी विदस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता का पार्ट टू डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो जो है स्पेशली फॉर पेट एग्जाम के लिए है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिप्लस सी पेट की तो आपके लिए जो ये वीडियो है ये सुपर इम्पॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखें अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हमारी वीडियोस डाली जाए तब तब आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे ठीक है तो हड़प्पा की अगर हम लिपि की बात करें तो हड़प्पा की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है ठीक है भाव चित्रात्मक है और दूसरा ये कि हड़प्पा की लिपि जो है इसमें लगभग चौंसठ मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं ठीक है चौंसठ मूल चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं और 250 से लेकर 400 तक जो है इसमें अक्षर मिले हैं और हड़प्पा की लिपि को अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया है ठीक है हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और ये लिपि जो थी वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएँ लिखी जाती थी ठीक है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और जो हड़प्पा की लिपि है ये हमें वहाँ पे मिली मोहर और मृत भांड यानी कि बर्तन जो होते थे वहाँ के उन पर अंकित मिली है ठीक है तो ये सारी विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है ओके अब डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या कहाँ से मिला है ठीक है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में तो जितने भी स्थल से हमें जो जो, जो चीज़ें मिली हैं वो सारी मैंने इसमें लिख रखी है तो अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिली है वो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा ठीक है एक मूर्ति मिली है जो कि इस तरीके की है कि इसमें स्त्री है और उसमें एक पेड़ निकलता हुआ जो है दिखाया गया है गर्भ से और पीतल का बना हुआ इक्का जो है वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है और ईंटों के वृत्ताकार चौतरे जो हैं ये भी हमें वहीं से प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ के अवशेष भी हमें हड़प्पा सभ्यता से ही सबसे पहले मिले हैं तो ये चार पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं ये अवशेष कहाँ के हैं तो ये हैं हड़प्पा के नेक्स्ट है मोहन जोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहन जोदड़ो से हमें मिली है कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति ठीक है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति जो है किस स्थल से मिली है हड़प्पा सभ्यता की तो मोहन जोदड़ों से तो मोहनजोदड़ो का अर्थ भी कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या होता है तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला ठीक है मृतकों का टीला अब बात करते हैं अन्य जो साक्ष्य हैं जैसे कि पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ जो है ये जो है अगर हम बात करें धार्मिक स्थिति की यहाँ की तो सबसे पूजे जाने वाले जो देवता थे वो थे पशुपति नाथ और कुबड़ वाले सांड ठीक है आगे मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पशुपति नाथ की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है हाथी का कपाल भी जो है हमें मोहनजोदड़ों से ही मिला है नरकंकाल भी हमें यहीं से मिला है और विशाल स्नानागार भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है ठीक है और अन्नागार अन्नागार यानी कि अनाज का घर जो है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है लोथल की बात करें तो लोथल से हमें मिला है एक बंदरगाह जो इस बात को दर्शाता है कि बंदरगाहों से जो है व्यापार किया जाता था और धान और बाजरा के अवशेष जो हैं वो भी हमें लोथल से मिले हैं और घोड़े की लघु मूर्तियाँ भी हमें लोथल से मिली हैं कालीबंगन से अगर हम बात करें तो कालीबंगन से मिला है हमें बेलन आकार मोहरे के निशान और हवन कुंड या अग्निकुंड ठीक है अग्निकुंड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ठीक है कि हवन कुंड या फिर अग्निकुंड कुंड कहाँ से किस स्थल से प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के तो आपका आंसर होगा काली बंगा से ठीक है यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंचाई के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं तो याद रखें से. सेतु घेई से ठीक है सेतु घेई से हमें सबसे पहले सिंचाई के जो है साक्ष्य मिले हैं बनवाली से अगर पूछे तो बनवाली से हमें क्या क्या मिला है तो बनवाली से मिला है तिल और सरसों के साक्ष्य ठीक है सड़क ये सड़क होगा ठीक है सड़क नालियों के अवशेष और चर्ट के फलक चर्ट जो होता है एक प्रकार का पत्थर हुआ करता था ठीक है ये बनवाली से हमें मिला है अब बात करते हैं यहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की, की धार्मिक स्थिति किस प्रकार की थी तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो कई प्रकार के देवी देवताओं को मानते थे जैसे कि देवी ठीक है पुरुष देवता लिंग योनी वृक्ष प्रतीक जल पशु जल आदि की जो है ये लोग पूजा करते थे ठीक है और अगर पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन तो सबसे जो पूजे जाने वाले देवता थे वो थे पशुपति नाथ और कुबड़ वाले सांड ठीक है और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्वास्तिक और चक्र सूर्य के साक्ष्य जो हैं वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान मिले हैं यहाँ के जो लोग थे वो अलौकिक व व व्यवहारिक अधिक थे ठीक है यानी अंधविश्वासी नहीं थे और यहाँ पर धरती को जो है वो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी ठीक है ये चीज आपको याद रखना है उर्वरता की देवी माना जाता था किसको धरती को और पशुपतिनाथ और कुबड़ वाले सांड जो थे ये प्रमुख देवता माने जाते थे और यहाँ के लोग जो है वृक्षों की भी पूजा किया करते थे ओके नेक्स्ट है नगर नियोजन नगर नियोजन की अगर मैं बात करूं तो नगर नियोजन जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की नगर की जो बनावट है जैसे कि की यहाँ की सड़कें यहाँ की नालियाँ ये इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो अब हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं सड़कों व नालियों की तो ये ग्रीड पद्धति में बनी हुई थी ठीक है ना ग्रीड कई आ, कई किताबों में ग्रीड लिखा हुआ है और कई किताबों में ग्रीड लिखा हुआ है ठीक है तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना ग्रीड ग्रीड पद्धति जो है पर आधारित थी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें व नालियाँ थी वो ग्रीड पद्धति पर आधारित थी और सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी समकोण पर काटती थी का मतलब यह है कुछ इस तरीके से अगर एक सड़क ऐसे जा रही है तो दूसरी सड़क जो है उसको इस तरीके से काटती थी ठीक है यानी कि चौराहा हम कह सकते हैं इसे ठीक है चौराहा बनाया होता था हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी सड़कें हमें देखने को मिली हैं ठीक है थीके? तो समकोण पर काटती थी और प्रत्येक घर में जो है कुएं हुआ करते थे और कुएं से जो है यहाँ के लोग अपनी जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे ठीक है ना और स्नानागार भी जो है हमें मिले हैं स्नानागार जो सबसे विशाल स्नानागार मिला है वो है मिला है मोहन जोदाड़ू से ये चीज़ भी आपको याद रखना है ठीक है मोहन अभी मैंने आपको बताया पहले मोहन जोदाड़ो से तो मोहन जोदाड़ों से हमें ये स्नानागार मिला है इसका इस्तेमाल जो है आप कह सकते हैं एक प्रकार का ये स्विमिंग पूल की तरह होता था ठीक है इसके उत्तर और दक्षिण की साइड में जो है सीढ़ियाँ बनी होती थी और इस स्नानागार का जो प्रयोग है वो किया जाता था धार्मिक महोत्सवों पर ठीक है धार्मिक महोत्सवों पर किया जाता था सिंधु नदी से जो है इसमें जल लाया जाता था और जब वो जल गंदा हो जाता था तो नाले के माध्यम से उस जल को बाहर निकाल दिया जाता था और स्नानागार के बगल में जो है एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर लोग जो है पानी को गर्म कर सकते थे ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है वो मिला है मोहन जोदाड़ू में ओके आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कुल कितने कुएं मिले हैं तो कुएं आपको याद रखें कुल 700 कुएं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में ठीक है 700 कुएं मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो दरवाजे होते थे ना वो सड़कों के पीछे होते थे यानी कि खिड़कियां जो होती थी वो दरवाजो सड़कों के सामने होती थी ठीक है सड़कों के सामने होती थी और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपने दरवाजों को खुला रखते थे थी। ठीक है क्योंकि इनके आंगन में कुआं होता था और अगर किसी व्यक्ति को राह चल राह पे जो व्यक्ति चल रहा है अगर उसको प्यास वगैरह लगे तो वो आगर के अंदर पानी पी सकता था आराम से ठीक है इस तरह का जो घर है वो इनको, इनको इन्होंने बना रखा था आंगन पर केंद्रित होता था एक घर इनका ठीक है बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे हुआ करते थे ठीक है नगर की प्रमुख सड़कें जो थी उन्हें प्रथम सड़क कहा जाता था ठीक है जिसे हम इस समय मेन रोड कहते हैं ना वो इसे जो है प्रथम सड़क कहते थे और घरों से जल निकास जो है मोरियो द्वारा होता था मोरिया क्या होती है मोरिया होती है छोटी छोटी नालियां ठीक है छोटी छोटी नालियों के माध्यम से जो है जो गंदा पानी होता था वो सड़क के बड़े नालों में भेजा जाता था ठीक है ये चीज आपको याद रखना है नेक्स्ट है हड़प्पा में हड़प्पा व मोहनजोधरो में जो घर बने होते थे ये पकी हुई ईंटों के बने होते थे ठीक है पकी हुई ईंटों के बने होते थे और इन पकी हुई ईंटों को कहा जाता था टेरा कोटा ठीक है मैंने इसमें लिखना भूल गया हूँ तो याद रखें टेरा कोटा कहा जाता था इन पकी हुई ईंटों को जबकि जो कालीबंगन और रंगपुर में जो घर मिले हैं वो कच्ची ईंटों के बने होते थे ठीक है कालीबंगन और रंगपुर के जो घर होते थे वो कच्ची ईंटों के बने होते थे और ईंटों की एक विशेषता ये थी कि ये एक निश्चित अनुपात में होते थे ठीक है निश्चित अनुपात में होते थे अब निश्चित अनुपात का मतलब ये हुआ कि जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होती थी वो एक निश्चित होती थी जैसे कि चार अनुपात दो अनुपात एक में होती थी ठीक है चार अनुपात दो अनुपात एक में यानी कि जो लंबाई होती थी वो चार है अगर तो चौड़ाई दो होगी और मोटाई एक होती थी भवन की अगर हम बात करें तो तीन प्रकार के जो भवन हैं वो हड़प्पा सभ्यता में हमें मिले हैं पहला है आवासीय भवन दूसरा है विशाल भवन और तीसरा है सार्वजनिक भवन ठीक है वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस की सीरीज़ जो है कंटिन्यू आपके लिए रहे आपको पेट एग्ज़ाम के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सारे टॉपिक पर वीडियोज़ जो है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी ठीक है ओके तो आवासीय भवन में बताता था आवासीय भवन जो होते थे ये साधारण लोगों के घर हुआ करते थे जहाँ पर लोग जो है निवास करते थे जबकि बात करें विशाल भवनों की तो जो अमीर तबके के लोग होते थे वो उनके जो घर होते थे वो काफ़ी विशाल हुआ करते थे ठीक है ना काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे जबकि जो सार्वजनिक भवन हुआ करते थे ये रास्तों वगैरह पे बनाए जाते थे ठीक है ना सराय की तरह कि अगर कोई व्यक्ति जो है यात्रा कर रहा है अगर वो थक जाता है तो यहाँ पर अपना जो है आराम कर सकता था तो ऐसे भवनों को हम कहते थे सार्वजनिक भवन तीन प्रकार के भवन थे आवासीय भवन विशाल भवन और सार्वजनिक भवन जितने इफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आप नोट डाउन जरूर करते रहें और नोट्स के रूप में इसका पीडीएफ जो है वो आपको दे दिया जाएगा ठीक है अच्छा सामाजिक भवन की बात कर लेते हैं सामाजिक सॉरी सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं तो समाज जो था हड़प्पा सभ्यता का वो मात्र सत्तात्मक था मात्र सत्तात्मक था का मतलब ये है कि जो है माताओं को जो है अधिक महत्व दिया जाता था इस सभ्यता में ठीक है जबकि वर्तमान का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है जहाँ पर पिता को जो है परिवार में अधिक महत्व दिया जाता है ठीक है और समाज में जो है पुरोहित व्यापारी अधिकारी शिल्पी जूले व श्रमिकों श्रमिक जो है सभी रहते थे तो इस तरीके से जो समाज था वो विभिन्न वर्गों में विभाजित था मनोरंजन के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग पासे खेलते थे नृत्य व शिकार व पशुओं की लड़ाई आदि जो है कराते थे तो ये इनके मनोरंजन का जो है स्रोत था शवों की अगर हम बात करें तो शवों का अंतिम संस्कार जो है वो तीन तरीके से होता था आप देख सकते हैं दो विधियां जो है वो हैं दफनाने की और तीसरी विधि जो है वो है दाह संस्कार की तो पहली जो है पूर्ण सम, समाधिकरण पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जो है ज़मीन को खोद कर पूरी तरह से दफना दिया जाता था ठीक है और आंशिक समाधिकरण में क्या किया जाता था इस समाधिकरण में होता यह था कि जो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसे पहले पशुओं से खिला दिया जाता था ठीक है मृत्यु के पश्चात उसे ऐसे रख दिया जाता था पशु पक्षी जब उसे खा लेते थे तो उसका जो हिस्सा जब बचता था जो बचा हुआ पार्ट होता था उसको जमीन में ले जा गाड़ते थे तो ऐसे जो आ, संस्कार था जो अंतिम संस्कार था तो इसको हम कहते थे आंशिक समाधिकरण ठीक है आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार की प्रणाली भी प्रचलित थी वहाँ पर कि मृत व्यक्ति को जो है जला दिया जाता था तो ये जो दाह संस्कार की प्रणाली थी ये मोहन जोदड़ों में प्रचलित थी ठीक है मोहन जोदड़ों में प्रचलित थी जबकि समाधिकरण की जो प्रणाली थी ये हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी ठीक है आर्थिक जीवन की बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन कैसा था हड़प्पा सभ्यता का तो आर्थिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो प्रमुख फसल थी आपसे प्रमुख फसल पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता की तो वो होती थी जौ और गेहूँ ठीक है जौ और गेहूँ जो थी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल थी और यहाँ के लोग मीठे के रूप में मीठे के रूप में शहद का इस्तेमाल करते थे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीठे के रूप में ये लोग जो है शहद का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पर जो है नौ प्रकार की फसलें होती थी ठीक है नौ प्रकार की फसलें होती थी जैसे कि चावल और गेहूँ जो होता था ये तीन तरह के होते थे यहाँ पर और जौ जो, जो होते थे ये दो तरह के होते थे खजूर तरबूज मटर राई तिल इत्यादि जैसी फसलें जो हैं यहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे और कहा जाता है जब यहाँ पर खुदाई की जा रही थी तो कई ऐसे शव वहाँ पर मिले थे तो शवों में जो है कई प्रकार के अनाज के दाने मिले थे जो हमें वहाँ पर जो है फसलों की जानकारी देते हैं ठीक है यहाँ के लोग जो हैं जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो जब दफनाते थे ना तो कई प्रकार के सामान जो हैं जैसे कि अनाज हो गया मृतभांड हो गया और भी कई प्रकार की जो दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं होती थी वो भी उनके साथ दफना देते थे तो खुदाई के दौरान यही सब जो है प्राप्त हुए हैं और इन्हीं से जो है इतिहासकार जो हैं इस सभ्यता को समझने में जो है सफल हुए हैं ठीक है तो ये फसलें आपको याद रखनी है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहा जाता है कि कपास की खेती जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा के लोगों ने ही प्रारंभ की थी और सिक्के की अगर हम बात करें तो हड़प्पा के सिक्के जो होते थे ये कई प्रकार के होते थे जैसे बेलन आकार आयत आकार ठीक है त्रिकोण आकार इन सब आकार के जो सिक्के हैं वो हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिले हैं और ये सिक्के जो होते थे वो किस पत्थर के बने होते थे तो, तो ये बने होते थे सेलखेड़ी नामक पत्थर की ठीक है और यहाँ पर एक पत्थर होता था चर्ट नाम का चर्ट नाम का जो पत्थर है इस पत्थर का जो इस्तेमाल है वो किया जाता था बाट बनाने में ठीक है बाट बनाने में इसका इस्तेमाल होता था और बाट की जो मापक इकाई थी वो थी 16, 64, एक सौ साठ तीन सौ बीस और छः सौ के रूप में आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो बाट होते थे उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी तो और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी तो छः सौ चालीस ठीक है ये याद रखना है आपको अब बात कर लेते हैं फायंस की तो फायंस जो है ये भी एक प्रकार की आ, कह सकते हैं कि पदार्थ होता था एक प्रकार का और इससे बने हुए जो खिलौने होते थे जो बर्तन होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे क्यों होते थे क्योंकि फायांस एक ऐसा पदार्थ था जिसे बनाने के लिए जो है कई प्रकार के रंग ठीक है और चिपचिपा पदार्थ रेत इत्यादि जो है मिला करके उसे लंबे समय तक पकाया जाता था पकाने के बाद उसे जो है खूब चलाया जाता था और फिर जाके जो है ये पदार्थ बनता था फिर इस पदार्थ से जो है विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ व खिलौने बनाए जाते थे और इससे बने हुए जो खिलौने और मूर्तियाँ होती थी वो काफ़ी महंगी होती थी क्यों क्योंकि इससे इस पदार्थ को बनाने में जो है अधिक समय और अधिक मेहनत लगती थी ठीक है तो जिन जिन क्षेत्रों में हमें फायान से बनी हुई वस्तु मिली हैं इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोगों की जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी रही होगी ठीक है क्योंकि वहाँ पर फाययान से बनी हुई वस्तुएँ मिल रही हैं और नारी की मूर्तियाँ अधिक मिली हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि जरूर यहाँ का समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था ठीक है और चक्की जो है वहाँ पर मिली है चक्की दो प्रकार की होती थी उत्तल चक्की और अवतल चक्की ठीक है उत्तल चक्की और अवतल चक्की और इन चक्कियों का इस्तेमाल भी जो है अलग अलग होता था ठीक है एक चक्की इसमें से है जिसका इस्तेमाल किया जाता उत्तल चक्की जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था किसी तरल पदार्थ जो होते थे उसको बनाने के लिए ठीक है तरल पदार्थ को पीसने वगैरह के लिए किया जाता था उत्तल चक्की का जबकि जो अवतल चक्की थी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था किसी कठोर पदार्थ को पीसने के लिए ठीक है तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सारे के सारे जो है मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस किए हैं दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारी वीडियो से जुड़ें पहला वीडियो काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने तो जो है ये मैंने आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार किया है ऐसे ही वीडियोज़ को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब जब हम वीडियो डालें तब तब आपके पास जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है तो इसकी एक अलग से प्ले भी बना दी जाएगी जहाँ पर जो है पेट एग्ज़ाम की सभी वीडियोज़ को एक लाइन से लगा दिया जाएगा जिस जिस वीडियो जो जो वीडियोस अगर स्किप होती है आपसे तो आप उसे आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलेगी कई छात्र कह रहे थे कि क्या हर एक टॉपिक पे रहेगी जितना भी सिलेबस है हर सिलेबस के हर टॉपिक पर वीडियो जो है डाली जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि कोई भी फैक्ट जो है नहीं छूटे ठीक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक पे जैसे कि अभी हमने हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को लिया है तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं ठीक है इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी किताब को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोज़ देखते हैं तो ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बने रहे वीडियो के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है